तो सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते आएंगे। एक बड़ी तस्वीर बनेगी क्योंकि दशकों बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी समारोह में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस तरह से मुखातिब होंगे, इस तरह से रूबरू होंगे, यानी कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर बनेगी। विरोध को लेकर एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, किस तरह से उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया, वो तस्वीर भी वहां से पहुंचाई है और आज की ताजा तस्वीर, आज की ताजा जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। हालांकि सुबह 11 बजे यानी कि कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे, साथ ही मुखातिब होंगे। यह कहा जा सकता है कि दशकों बाद एक बड़ी तस्वीर एएमयू के किसी समारोह में प्रधानमंत्री के शिरकत करने को लेकर सामने आ रही है। और मेरे सहयोगी नवेद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। नवेद, क्या कुछ कहा जा सकता है एक बड़े दीक्षांत समारोह की अगर जिक्र करें हम, जिस तरह से सालों पहले हुआ था, हालांकि इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे, क्या कहा जा सकता है, क्या तस्वीर? नवेद, सीधा आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, इस पूरी तस्वीर को समझना चाहेंगे, किस तरह से एएमयू में पीएम मोदी मेहमान के तौर पर आ रहे हैं, किस तरह से आज की यह तस्वीर बड़ी बन रही है, बनाया गया और आज जो कार्यक्रम है सबीना, यही गेट है, इसी का आज शताब्दी समारोह के तौर पर यह बनाया गया अलीगढ़ में। और आज प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उसमें ना सिर्फ संबोधन देंगे, ये पहली मरतबा होगा जब 1964 के बाद कोई दूसरे प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बड़ा वृहद रहा है, यहाँ से कई प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रपति निकले हुए हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हेलो जी, बिल्कुल आपको हम सुन पा रहे हैं नवेद, बिल्कुल बिल्कुल नवेद हम आपको सुन पा रहे हैं, चाहेंगे कि पीछे की पूरी तस्वीर के साथ आप पूरी और डिटेल यहाँ पर रखें, क्योंकि एक विवाद की तस्वीर आ रही है, तो वहीं पर बताया जा रहा है कि छात्र खुश भी हैं। जी सबीना, देखिए विवाद अपनी जगह पर है, विवाद का यहाँ पर अभी अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो विवाद यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉय है और विवाद यहाँ कोई फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही मसला है 30,000 जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं एएमयू यूनिवर्सिटी में, और अगर उसमें कुछ चंद लोग हैं और उनको लेकर कोई बयान आ जाते हैं तो उससे विवाद की शक्ल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट है जो इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो अगर ये कह सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग बाहर से विवाद या खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे इस कार्यक्रम को कोई क्षति होगी, मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा नवेद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि 100 साल बाद जिस तरह की एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर बन रही है, 100 साल इसकी स्थापना को हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को एक मजबूत कदम के तौर पर, एक आपसी सहयोग के कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, फौरन हाजिर होंगे।